कोरोना वायरस वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू होते ही लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने पीजीआई में कोरोना वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन के बाद डीजे ठाकुर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। लखनऊ के बंद्रा थाना क्षेत्र में गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने 5 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। लखनऊ से माई भारत के लिए विवेक साहू की रिपोर्ट। लखनऊ में अब मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल वाहन चालकों को मिल सकेगा। वाहनों के साथ ही पर्यावरण के लिए भी बेहद अनुकूल माना जा रहा है ये पेट्रोल। इससे पहले दिल्ली सहित देश के 15 बड़े शहरों में अब तक इसकी बिक्री हो रही थी। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ के पिकनिक स्पॉट चौराहे पर पेड़ गिरने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। जाम लगने से लोगों को जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ा। भीषण जाम के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। लखनऊ से माई भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। शिमला में बर्फबारी होने के बाद हर तरफ बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके बाद पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटकों ने बताया कि बर्फ की सफेद चादर के बीच यहां जन्नत की तरह लग रहा है। महाराजगंज के फरेंदा में चौरी चौरा कांड को याद करते हुए शहीद पंकज त्रिपाठी स्मारक स्थल पर पुलिस कर्मियों समेत कई हस्तियों ने माल्यार्पण कर शहीद पंकज त्रिपाठी को सलामी दी। इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। महाराजगंज से माई भारत के लिए अभिषेक अग्रिहरी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने व्यापारियों से रंगदारी मांगने के मामले में 2 महिलाओं सहित 3 पुरुषों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस की जांच से मालूम चला कि जेल के अंदर से ही मांगी गई थी रंगदारी। हल्द्वानी से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के नेतृत्व में मोबाइल रिकवरी सेल ने 304 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं खोए हुए मोबाइल पाकर लोग काफी खुश नजर आए। हल्द्वानी से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लालकुआ में पश्चिम व्रत वन विभाग की पूरी टीम देश के बढ़ते बर्ड फ्लू के प्रकोप के चलते अलर्ट पर है। इस मामले में वन संरक्षक पश्चिमी व्रत प्रभागीय ने कर्मचारियों और अधिकारियों को पक्षियों की निगरानी के साथ ही जनता से सहयोग के निर्देश दिए गए। लालकुआ से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। लालकुआ में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्षों सहित जिला कोषाध्यक्ष का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सभी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, जो जिम्मेदारी संगठन ने उन्हें सौंपी है उस पर वो पूरी तरह खरे उतरेंगे। लालकुआ से माई भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। देखते रहे माई भारत।